नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं इस छोटे शेयर के बारे में जिसने 101% का रिटर्न दिया है। ये स्टॉक में 3 बार पैटर्न बन रहा है और आप सभी को पता है टी बार पैटर्न का मतलब क्या है। जिनको नहीं पता अंत तक देखना, क्या पता कुछ नया आप लोग यहाँ पर आज सीख के जाओ। राइट, टी बार के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कशन करी है अपने पैनी स्टॉक के कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कैसे टी बार पैटर्न हमें संकेत देता है कि यहाँ पर हैंड स्विच हो रहे हैं। हैंड स्विच का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आप लोगों को फंसाने वाला काम हो सकता है। ठीक है, अब जिस पैनी स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार मैंने भी स्टॉक को बाय किया था 3 रुपये के भाव में। स्टॉक नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद हमें बहुत नेगेटिव रिटर्न स्टॉक ने दिखाई, लेकिन फाइनली अब मेरा खुद का अकाउंट इसमें मुझे 12-13% का रिटर्न शो कर रहा है पॉजिटिव। ठीक है, और हो सकता है आपको भी इससे ज़्यादा कर रहा हो, क्योंकि अगर आपने मेरा तरीका अपनाया होगा स्टॉक को एवरेज करने का तो डेफिनेटली आपको उससे ज़्यादा रिटर्न आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो, तो चीज़ें मैं आपको बतलाता हूँ। राइट, हो सकता है कभी आपको उस पर ट्रेड मिले, कभी आपको ट्रेड ना मिले, लेकिन चीज़ें काम करती है ये आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अंत तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, सपोर्ट करना। सपोर्ट कैसे मोटिवेशन मिलती है कि आपके ऐसे पेनी स्टॉक सेलेक्ट करके लेके आऊँ जो पैसा मल्टीप्लाई कर सकता है। बस आपको वीडियो को शेयर करना है फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के माध्यम से, जितना हो सके शेयर करो। संडे वाली क्लास आई नो बहुत दिनों से नहीं हो पाई क्योंकि मैं थोड़ा बिजी हूँ 3-4 स्ट्रेटजीज को देखने में, डेवलप करने में, और कुछ टीम के सदस्यों के साथ रोज वार्तालाप होती रहती है। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल रहे हो, टीम के सदस्य ये कौन है? तो आपको नहीं पता है, मैंने ऑलरेडी बहुत लोगों को अपना नंबर शेयर कर रखा है और उनको मैं अपनी एडवाइस देते रहता हूँ जो मुझे देनी है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको लग रहा होगा मैं आपका पैसे ले रहा हूँ, नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट है सर, क्योंकि वो लोग अपना टाइम दे रहे हैं दिन का 5 या 10 मिनट एज आ मेरी कुछ जो चीज़ें हैं जो मैं लोगों से करवाना चाहता हूँ वो लोग कर देते हैं बस। तो अगर आप कर सकते हो, आपका लैपटॉप है, सिस्टम है, नेट है, तो आपका मोस्ट स्वागत है। क्या पता जो पैनी स्टॉक आप लोग 2-4 रुपये में बाय करने की सोच रहे हो, मेरी अगर गाइडेंस रहेगी मेरे साथ, तो क्या पता वो आपको 10-20-30 पैसे मिल जाए। अब मर्जी आपकी है। ठीक है, ज्वाइन होना है आपको तो आप हो सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था आप 2 प्रकार सपोर्ट कर सकते हो, एक है आपका टाइम देके, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है वो टाइम दे सकता है, और जो पैसा दे सकता है वो तो भैया पैसा दे सकता है। ठीक है, उसका मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आपको 5 लाख की कैपिटल चाहिए। अगर आपके पास है तो आप आ सकते हो, मेरे मैसेज को ड्रॉप कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर। राइट, अब थोड़ा बात कर लेते कि स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप लोग देख सकते हो मैंने प्यारा सा ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इस हाई को इस हाई से मिलाया, तो डेली में हमें एक रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये स्टॉक अगर ऊपर जाएगा, अभी नाम मत लाऊंगा, यहाँ तक जा सकता है 4.70 रुपये मैक्स। ठीक है, और प्यारा सा देखो यहाँ पर टी बार बनना। अब इसका मतलब क्या, थोड़ा मैं आपको समझा दूँ, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर हैंड स्विच के जा रहे हैं, यहाँ पर ऑपरेटर ने गेम खेला है। ठीक है, जब भी ये टी बार बने, और समझ लो मैक्स मैंने जो ऑब्जर्व किया कि 3-4 टी बार का मतलब एंड गेम इज नियर। ठीक है, और ये टी बार अब कल दोबारा टी बार नहीं बनेगा, कल दोबारा हरा या रेड कलर बनेगा, उसके बाद दोबारा टी बार बनेगा, ये ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा अगर आपको समझ नहीं आता तो पास में कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे एग्जाम्पल तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको टी बार दिख रहा होगा, ये टी बार बनना स्टार्ट हुआ, सबसे बड़ा जो टी बार है, ठीक है, नंबर 1 देखो ये रहा, ठीक है, टी बार, नंबर 2 ये रहा, ठीक है, नंबर 3 छोटा सा है, नंबर 4, नंबर 5, ऑलमोस्ट देखो 5 बनने के बाद ये टी बार आपका खत्म, स्टॉक आपका धड़ाम नीचे। तो टी बार का मतलब समझ जाओ, जब भी टी बार बने आपको वहाँ पर एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर लो पैनी स्टॉक में। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, इसको आप चाहो तो वीकली में कन्वर्ट कर सकते हो अगर आपको और ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करना है। ठीक है, अब जिस स्टॉक की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम अनुपम, एक सेकंड, अनुभव इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आप लोग देख सकते हैं लगता है स्टॉक अपर सर्किट पे जा रहा है। ठीक है, अभी स्टॉक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दे चुका है, और आपको अगर याद होगा मेरा वो वीडियो जिससे मैंने आपको बताया था कि कैसे हम किसी स्टॉक को बाय करते हैं जब उस नीचे जा रहा होता है, तो तरीका क्या था, बहुत सिंपल था, जैसे ही ये मंथली में ब्रेकआउट करता है स्टॉक को आप बाय कर सकते हो। देखो ध्यान से देखना ये स्टॉक ने मंथली ब्रेकआउट कब किया, देखो यहाँ छोटा सा मंथली ब्रेकआउट हुआ था लेकिन यहाँ पर हमारा SL हो गया, तो यही तो है पावर ऑफ SL, पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। ठीक है, कट योर लॉस क्विकली, सुना होगा आपने, तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ, हमने प्रॉफिट नहीं यहाँ पर लॉस कट किया। ठीक है, उसका स्टॉक देखो नीचे आ गया, और दोबारा देखो यहाँ जैसे ही रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ
स्ट्रॉन्ग इज गोइंग टू मैड, पागल हो गया। तो यही है पावर ऑफ एक प्रॉपर रूल या सिस्टम बेस्ड हम ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रेकआउट हुआ स्टॉक पागल। अब आप बोलोगे सर इस कैनल के ऊपर बाय नहीं कर सकते, इसमें बाय नहीं कर सकते, नहीं करना बिल्कुल भी। मंथली कैंडल खोला हुआ मैंने, अगर आपको पेन स्टॉक बाय करना है तो रेड कैंडल के हाई के ऊपर बाय किया करो, ग्रीन के ऊपर मत किया करो। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको 101 बार समझा चुका हूँ क्यों। ठीक है, इसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजिकल पॉइंट्स या कुछ बोलते बिहेवियर, जो मैंने ऑब्जर्व किया है प्राइस पैटर्न में। क्योंकि देखो जो रेड मतलब होता है वहाँ पर ऑलरेडी सेलर्स एक्टिवेट है, ठीक है, और जो ग्रीन का मतलब बायर्स है। तो दिमाग समझो, थोड़ा गेम समझो, ये गेम है पूरा वॉल्यूम का, माइंडसेट का, कि क्या लोग बिट प्लेस कर रहे हैं। अगर हमने सिर्फ सेलर का माइंडसेट बायर की तरफ स्विच कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, तो डेफिनेटली स्टॉक का प्राइस डबल बूम होगा। हमें बायर को सेलर नहीं बनाना है, हमें सेलर को बायर बनाना है। और सेलर बायर कब बनता है, जब वो मंथली में ब्रेकआउट करता है, तब उसकी लुप लुप होना स्टार्ट होती है, उसकी फटनी स्टार्ट होती है। आई नो आपको लग रहा होगा ये तो फ्यूचर पर ट्रेड नहीं करता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता है। ठीक है, मुझे खुद नहीं पता है कि भाई कभी कभार पैनी स्टॉक में GSM होता है, उसको आप बाय कर सकते हो, मतलब बड़े लोग उसको बाय कर रहे हैं लेकिन वी कांट बाय, ये क्या है। तो मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, अभी भी आप मान सकते हो इस बात को, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर वही बोलूँगा जो मैंने आपको बताया, एक रिवर्स साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है। जब भी रेड कैंडल मतलब मंथली में पैनी स्टॉक में समझ जाओ, अगर वो टूटता है तो वहाँ पर जो बायर था तो बाय करेगा ही करेगा, उसकी तो मजबूरी है, उसको पता है स्टॉक ऊपर जाएगा। लेकिन जो सेलर है उसके माइंडसेट को हमने स्विच कर दिया, कन्वर्ट कर दिया एज अ बायर। इसको बोलते हैं रिवर्स साइकोलॉजिकल बिहेवियर, जो मैंने ऑब्जर्व किया इन प्राइस एक्शन या इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, तो ये स्टॉक है आपका अनुभव इंफ्रा। अब भाई इसको यहाँ बाय करना है, भैया हाथ जोड़ लो, कोई जरूरत नहीं है, नीचे गिरेगा तब आप सोचना, अभी मेरे इसके ऊपर कोई विचार नहीं है। यहाँ पर अगर आपके पास स्टॉक है तो एग्जिट कर लो, मुझे स्टॉक में 13-14% रिटर्न आ रहा है, तो आपको भी आ रहा होगा। आप चाहो तो एग्जिट करना स्टार्ट कर सकते हो, टी बार बनना स्टार्ट हो चुका है, मैंने इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। जो लोग नीचे कमेंट करते हैं सर ये वीडियो ये स्टॉक लिया था नीचे गिर गया नीचे गिर गया, अरे भाई मैं आपको हमेशा बोल चुका हूँ कि मनी मैनेज फॉलो करो, रिस्क मैनेज फॉलो करो। आप लोग एक ही स्टॉक में पैसा क्यों डालते हो, वो गलती मत करो मत करो मत करो, पहले बोल रहा हूँ। ये स्टॉक मार्केट शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है स्टॉक मार्केट। ठीक है, ये बहुत बड़ा लॉन्ग कट है जो शायद आपके ज़िंदगी बीत जाएगी, ठीक है, तब भी इसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, सॉल्व नहीं कर पाओगे, इतना बड़ा टफ है ये स्टॉक मार्केट। ठीक है, अब जिसको समझ आता है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं समझ आता वो टाइम उसको सिखा देगा। बाकी मिलते हैं।